और एक बार फिर आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। यह बड़ी जानकारी, कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने हरियाणा की राजनीति के हलचले तेज कर दी है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात का दौर कुलदीप बिश्नोई का जारी है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनका मुलाकात जो है वो कई मायने निकाले जा रहे। नड्डा से पहले सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है और अब राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक यहाँ पर कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अब क्या कुछ स्थिति बनती है वो यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति जो है हर तरफ से है। कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेते हैं वो इसको लेकर अब देखना सबको ये होगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है, लेकिन पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। ऐसे में अगर कुलदीप बिश्नोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं तो पार्टी फिर अपना आगे का स्टैंड क्लियर करेगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो कि लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से, आला नेताओं से एक के बाद एक मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इसके मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। तो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था सबसे पहले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई, क्या बातें हुई, क्या हुआ ये अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और ये इसकी पटकथा जो है वो दिल्ली से लिखी जाएगी।